संचारी रोग नियंत्रण करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार का जागरूकता अभियान, नगर पालिका परिषद गुलावटी। जी न्यूज इंडिया ब्यूरो राजीव अग्रवाल बुलंदशहर गुलावटी से। नगर पालिका परिषद गुलावटी के सभागार में संचारी रोग निदान अभियान के तहत एक मीटिंग आयोजित की गई। 1 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक प्रस्तावित विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान तथा संचारी रोग एवं दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण एवं कार्यवाही हेतु नगर पालिका परिषद के सभी कर्मचारियों वार्ड मेंबरों की एक मीटिंग सभागार हॉल में आयोजित की गई है। इसमें प्रमुख रूप से नगर पालिका परिषद अधिशासी अधिकारी निहारिका चौहान व यूनिसेफ के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर मशरूफ आलम व मोहम्मद कामिल अर्बन हॉस्पिटल व सुपरवाइजर रोहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुलावटी उपस्थित रहे। यूनिसेफ ब्लॉक कोऑर्डिनेटर मशरूफ आलम ने सभी को संबोधित करते हुए बताया कि वेक्टर जनित रोग, संचारी रोगों तथा दिमाग की बुखार पर प्रभावी नियंत्रण तथा इसका त्वरित व सही उपचार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2024 तक व दस्तक अभियान 11 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक चलाया जाएगा। इसमें मशरूफ आलम ने जनमानस से अपील करते हुए कहा कि मच्छरों को अपने आसपास न पनपने दें। यह मच्छर रुके हुए पानी व बदबूदार कबाड़ में गंदगी में अपना लार्वा पैदा करता है, जिसके कारण जीवन समाप्त होने की स्थिति पैदा हो जाती है। सभी लोग विशेष रूप से सफाई व पानी की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। नगर पालिका परिषद अधिशासी अधिकारी निहारिका चौहान ने संचारी रोगों से सावधान रहने में समय पर उपचार व सुरक्षा के लिए वार्ड मेंबर ऑफ नगर पालिका कर्मचारियों को निर्देश देते हुए नगर के लोगों को समझाने व जागरूक करने के लिए विशेष जोर दिया। वह नगर पालिका कर्मचारियों को फार्मिंग व नाली व नालों की सफाई के विशेष निर्देश दिए। सभागार में उपस्थित सदस्य में वार्ड मेंबर रविंद्र फौजी, शमीम आलम, फरकुद्दीन, विपिन तेवतिया, भूपेंद्र धनखड़, पुष्पेंद्र लक्ष्मण प्रसाद व आबिद रहे। नगर पालिका परिषद कर्मचारियों में नरेश यादव, राज्यपाल मदन गोपाल गुप्ता, के गर्ग, अलाउद्दीन आदि शामिल रहे।